अलकुम ख़ुवान हजरात ये मान क्या होता है रब को मान के साथ पुकारा जाए अक्सर आपने सुना होगा आइए देखते हैं कि शा साबा पिसा वाले से क्या फरमाते हैं अपनी किताब नवाए फकीर के पेज टू डबल वन पर रब की मोहब्बत में डूब कर मान के साथ रब को पुकारें क्योंकि ऐसी पुकार से रब खुश होता है रब अल्फाज को नहीं बल्कि बंदे के दिल में मौजूद उस मान को देखता है कि मेरा रब सबसे बड़ा है मेरा रब सबसे बड़ा दयालु है मेरा रब मुझे इनकार कर ही नहीं सकता क्योंकि वो इतना अजीम और मेहरबान है कि उसके हाँ सच्ची पुकार के जवाब में इनकार है ही नहीं जब बंदा मान के साथ रब को पुकारता है तो बामुराद ठहरता है हम अपने मामला अल्लाह के दीद पर छोड़ दिया करें हम ये ना कहा करें या अल्लाह मेरी तनख्वाह बढ़ा दे मेरी तरक्की कर दे मेरा कारोबार चला दे बल्कि हम ये कहा करें या अल्लाह मेरा रिस्क वसी फरमा दे हम अपना दस्तरखान वसी कर लें कि रोज़ दो चार लोग वहाँ खाना खाएं। ये अमल ख़ुद हमारे लिए बेहतर होगा क्योंकि रब इससे राज़ी होता है तो मेरे अच्छे नाज़रीन जनाब सैद सरफ़राज़ अहमद शाह साहब ने हमें तरीक़ा बताया कि रब को मान के साथ पुकारें और मान क्या है कि मेरा रब सबसे बड़ा है सबसे ज़्यादा दयालु है और मेरा रब इतना मेहरबान है कि वो जब बंदा उसे पुकारता है तो उसे इनकार नहीं करता बल्कि लब्बैक कहता है अपने बंदे की पुकार पे। तो बंदा यकीन के साथ माने मांगे अल्लाह से और मान के साथ मांगे कि मैंने अब रब से कह दिया है मेरा रब मुझे महरूम नहीं रखेगा मेरा रब मुझे अता करेगा ये मान है और जब बंदा इस मान के साथ रब से पुकारता है तो रब को जब इस मान के साथ पुकारा जाता है तो फिर रब ताला उस बंदे को ज़रूर नवाजता है उसकी पुकार का जवाब देता है इनशा एक नए मौजू के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी अलकुम व बरकातहू